पदयात्रा पर राजनीति छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है, जहां पिछले दिनों कोंटा गांव में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू को कांग्रेस कार्यक्रम में चलने का आमंत्रण दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसा था कि भाजपाई पदयात्रा नहीं कर सकते, वो सिर्फ आराम कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इस चैलेंज को हाथों हाथ लेते हुए नवरात्रि के पहले दिन राजनांदगांव से पदयात्रा करते हुए रायपुर पहुंचे, जहाँ पर वे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के बंगले पर जाकर ज्ञापन देना चाहते थे, जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। हालांकि कांग्रेसियों ने भाजपाइयों के लिए नाश्ता पानी का इंतजाम करके गांधीगिरी जताना चाहा, परंतु भाजपाई आक्रोशित होते रहे। भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी भर कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे, दो साथी जो राजनांदगांव से पैदल आ रहे थे उनका साथ देने के लिए रायपुर के कुछ फेल हो चुके नेता यहाँ पर फुटेज खाने के लिए आए थे, जिनका उद्देश्य सफल नहीं हो सका, क्योंकि हमने गांधी जी की विचारधारा का पालन करते हुए उन पदयात्रियों का स्वागत किया, उन्हें केला खिलाया, उन्हें मठा पिलाया, उन्हें पानी की बोतल दी, और भी कोई व्यवस्था चाहिए होगी तो वो भी पूछा, उन्हें राजनांदगांव वापस कैसे जाना है उसकी व्यवस्था भी कराने की हमने बात कही, पर क्योंकि चाय से ज़्यादा केटली गर्म थी।